सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं लीप 52 और लीप 52 डीएस टेबलेट का क्या उपयोग होता है, इनके क्या फार्माकोलॉजी होती है, क्या इसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं और क्या क्या यूज हो सकता है, और इसके कितनी मात्रा में कितना डोज होना चाहिए और इसे खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसके बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं लीप 52 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो कि हिमालय कंपनी में आती है, ठीक है। लीप 52 नाम से ही स्पष्ट होता है, लीवर से संबंधित किसी प्रकार का रोग होता है, किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है, तो उस डिजीज को ठीक करने के लिए, उस इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लीप 52 इसमें 100 टेबलेट होता है, इसमें 100 टेबलेट कंटेंट्स रहता है। और डीएस में आपको, डीएस का मतलब लीप 52 डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ, ये गोली दो गोली जितना काम करेगा, ये इसका सिंगल गोली ही उतना काम कर देगा। तो ये डबल स्ट्रेंथ में टेबलेट आता है, इसीलिए इसका नाम डीएस पड़ा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को डबल डोज खाने की आवश्यकता होती है, उसे डबल डोज खाने में असहजता नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर डबल स्ट्रेंथ वाली टेबलेट का वो यूज करते हैं। सो नेक्स्ट चलिए इसके फार्माकोलॉजी को समझ लेते हैं। लीप 52 और लीप 52 डीएस में क्या फार्माकोलॉजी होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसका जो मेन कंपोजिशन होता है, इसमें हिमसरा जो 65 mg हिमसरा पाया जाता है, ये एक प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, और कासनी जो 65 mg, ये भी 65 mg कासनी पाई जाती है, और मंडूर भस्म जो होता है वो 33 mg इसमें मिलीग्राम इसमें पाया जाता है, काकमाची जो होता है 32 mg इसमें पाया जाता है, और अर्जुना नाम की जड़ी बूटियाँ होती है जो कि उसमें 32 mg पाया जाता है, और कासमद्रा नाम की जड़ी बूटियाँ होती है जो कि 60 mg इसमें पाया जाता है, और विरंजीसफा नाम की जड़ी बूटी होती है वो भी इसमें 60 mg पाया जाता है, और झाबुका नाम की जड़ी बूटी होती है वो भी 60 mg पाया जाता है। ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इन औषधियों को मिला करके ये लीप 52 और लीप 52 डीएस डबल स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, जिसको पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अपने डोज के हिसाब से खाया करते हैं। हिमालय कंपनी की जो टैबलेट होती है ये दो फॉर्म में आता है, फर्स्ट आता है लीप 52 जिसमें 100 टैबलेट कंटेंट्स रहता है, और सेकंड आता है लीप 52 डीएस, डीएस का मतलब हुआ डबल स्ट्रेंथ, या डबल स्ट्रेंथ में यह टैबलेट आता है जिसमें 60 टैबलेट ही इसमें पाया जाता है। अगर इस टैबलेट की बात करें लीप 52 कितने में मिलता है, तो यह लगभग आपको 100 रुपये में मार्केट में आराम से मिल जाएगी। इसकी जो अमाउंट होता है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और लीप 52 डीएस जो होता है वो 150 से लेकर 160 रुपये में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही एक बात और जान लें कि यह जो होता है लीप 52 ये सिरप फॉर्म में भी आता है। अब हमको सिरप से रिलेटेड भी जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में एक अलग से सिरप से रिलेटेड, लीप 52 सिरप से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट यूज एंड डोज ऑफ लीप 52 और लीप 52 डीएस, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इन ड्रग का क्या क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो किन किन कंडीशन में, जैसे कि एल्कोहलिक टॉक्सिसिटी, किस कोई व्यक्ति को ज़्यादा एल्कोहल के कारण जो होता है उसके लीवर में एल्कोहलिक टॉक्सिसिटी की मात्रा बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति ले सकता है इस लीप 52 या फिर लीप 52 डीएस डबल स्ट्रेंथ वाले टैबलेट को, ठीक है। और फैटी लीवर के कंडीशन, हेपेटाइटिस ABC, इस कंडीशन में भी लिया जा सकता है। इंफ्लामेशन है कंडीशन, लीवर में इंफ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया तो उस कंडीशन में, या फिर टिश्यू डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लिया जाता है। साथ ही जॉन्डिस के कंडीशन, पीलिया कंडीशन बन गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर में किसी प्रकार का टॉक्सिक इन्फ्लामेशन हो गया तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और किसी प्रकार का सेल डैमेज हो गया, सेल डैमेज होने के कारण जो उस सेल को रिपेयर करने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है लीवर में, ठीक है। और इसका उपयोग वेट गेन के कंडीशन में, किसी को वेट गेन करना है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रोटीन पाउडर, कोई बॉडी बिल्डर है, जो बॉडी बिल्डर होता है वो कंटिन्यूसली प्रोटीन पाउडर लेते रहता है, तो उस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और डाइजेस्ट प्रोटीन पाउडर, यानी प्रोटीन पाउडर को डाइजेस्ट करने के लिए, वो जो प्रोटीन पाउडर लेता है तो उस
प्रोटीन पाउडर को डाइजेस्ट करने के लिए उसे पचाने के लिए भी इस टेबलेट का वो बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करता है। साथ ही एनोरेक्सिया भूख की कमी होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को भूख की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में भी वे व्यक्ति वो इस टेबलेट का इस्तेमाल करता है। साथ ही फिजिकल वीकनेस शारीरिक कमजोरी होती है उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही डायबिटीज के कारण जो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर टॉक्सिसिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई व्यक्ति जो लॉन्ग टाइम से किसी पेन किलर का सेवन कर रहा है, पेन किलर खा रहा है और जिसके कारण उसके लीवर में इन्फ्लामेशन हो चुका है या फिर टॉक्सिसिटी की मात्रा की बढ़ चुकी है तो उस कंडीशन में भी वे व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम जान लेते हैं क्या प्रेगनेंसी में इसका यूज किया जा सकता है। तो हाँ, इसका उपयोग प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान दें कि जो इसका डोज ओवर डोज नहीं होना चाहिए, आप नियमित मात्रा में ही लें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए इसके डोजेज के बारे में समझ लेते हैं, इसको कितनी डोज ले सकते हैं। तो वैसे तो जनरली डोज कितना लेना चाहिए, तो आप एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम ले सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप इसके जगह दो टेबलेट सुबह और दो टेबलेट शाम ले सकते हैं, या फिर इसके जगह आप लीप 52 DS का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक टेबलेट जो होता है लीप 52 की अपेक्षा डबल स्ट्रेंथ में आता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बात करें इसे क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किन किन व्यक्तियों को ये टेबलेट नहीं खाना चाहिए या फिर इस टेबलेट को खाने के बाद आपको क्या क्या छोड़नी चाहिए। जैसे कि आपको ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए ये टेबलेट खाने के बाद, या जो व्यक्ति ये टेबलेट खाता है उसे ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, और जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड जो होते हैं ठेले पे मिलते हैं वो भी फूड नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड, तीखा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे तो ये एक प्रकार का हिमालयन कंपनी का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, लेकिन इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि आपको नोजिया की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग उल्टी जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है कभी काल, ठीक है। और एब्डोमिनल पेन, पेट में हल्का फुल्का दर्द और दस्त, डायरिया जैसी कंडीशन बन सकती है, और डिस्कम्फर्ट, असहजता जैसी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाते आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए।